तो गाइस, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की एक मूवी आई है जिसका नाम है सत्य प्रेम की कथा। तो करते हैं इसका भी रिव्यू और जानते हैं इस 2.5 घंटे की मूवी पर टाइम इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं। वैसे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के फैंस के अलावा शायद किसी को मूवी के बारे में पता हो, क्योंकि मूवी की ऐसी कुछ खास हाइप नहीं थी, बट मुझे और आपको तो पता है। तो स्टोरी गुजराती फैमिली की है जिसमें मूवी का हीरो अपना कार्तिक आर्यन, जिनका रोल का नाम है सत्तू, एक गरीब परिवार से है, एंड हीरोइन कियारा आडवाणी एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी जिनका नाम कथा है। तो सत्तू अपनी फैमिली का एक बेकार और नकारा लड़का है, क्योंकि वो एक लॉयर बनना चाहता है बट पेपर पास ना करने की वजह से घर पर ही रहता है और घर का काम करता है, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह। इसके साथ ही उसके जो पापा है वो भी बेरोजगार है, घर पर ही रहते हैं, और दोनों के बीच में एकदम फ्रेंड वाली बॉन्डिंग है। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से हर बात शेयर कर लेते हैं। एंड सत्तू की बहन और उसकी माँ दोनों डांस क्लासेस चलाती हैं जिससे घर का खर्चा चलता है। और इस सब के बीच उसके खुद के कुछ सपने हैं कि उसका खुद का एक घर हो, उसकी शादी हो जाए और अच्छे से खुश रहे। और आगे मूवी में सत्तू कथा से मिलता है और उसे अपनी फ्रेंड बनाना चाहता है, बट वो उसे ये बात कह नहीं पाता। लेकिन एक साल बाद ऐसा कुछ होता है कि सत्तू की कथा से शादी हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सत्तू की कथा से इतनी आसानी से शादी हो जाती है, ये सब आपको तब जानने को मिलेगा जब आप मूवी देखोगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि इनकी शादी होने के बाद भी वे खुश नहीं हैं। तो इसकी क्या वजह है, तो ये भी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये जो 2-4 सस्पेंस हैं, यही मूवी की एकदम यूनिक बातें हैं और यही मूवी का पहला प्लस पॉइंट भी है। कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी और इनकी केमिस्ट्री को तो हम सब ने भूल भुलैया 2 में एंजॉय किया था, और उतना एंजॉय आप इस मूवी में भी करोगे और शायद ज़्यादा भी, क्योंकि ये साथ में काफ़ी परफेक्ट लगते हैं। मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है, या फिर कहें इसकी क्लिप्स की एडिटिंग, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को एक्यूरेट जगह पर लगाया गया है। जैसे मूवी के फर्स्ट हाफ में कॉमेडी, लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा दिखाया गया है जो कि हमें टाइम टू टाइम मज़े दिलाता रहता है, और हमें सेकेंड हाफ तक रोक के रखता है फर्स्ट हाफ के सस्पेंस को दिखाने के लिए। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी दोनों ने ही अपनी 100% परफॉर्मेंस दी है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों के अब तक के करियर सबसे टॉप की परफॉर्मेंस है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा बल्कि सब कह रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हों या फिर क्रिटिक्स, सबके सब मूवी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मूवी का एक प्लस पॉइंट इसके बोर ना करने वाले गाने भी हैं, क्योंकि मूवी में 7 गाने हैं बट सारे के सारे अच्छे हैं, बस एक को छोड़ के। बट मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मूवी आई थी सलमान खान की किसी है भाई किसी की जान, और उसमें भी शायद 7 या 8 गाने थे बट सारे के सारे बकवास थे। तो कुल मिला के मूवी जो अपनी स्टोरी से मैसेज देना चाहती है वो पूरी तरह से मूवी में दिख रहा है। तो मैं देता हूँ मूवी को 4 स्टार, और इस मूवी के लिए मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप आज के टाइम की एक खूबसूरत इमोशनल लव स्टोरी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। तो ठीक है, फिर ये था मेरी तरफ से इस मूवी का छोटा सा रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी मूवीज के रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।